हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फिर से आप लोगों को। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी है पहले मरकरी जेमिनी असेंडेंट में क्या रिजल्ट देगा, अब हम बात कर लेते हैं कि मरकरी अगर कैंसर असेंडेंट में रहे तो क्या रिजल्ट देगा। उससे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं जी कि 30 जून जुलाई तक मैं फ्री कुंडली रीडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिन जिन को अपनी फ्री कुंडली रीडिंग करवानी है वो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नाम, अपने दो सवाल मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और साइमल्टेनियसली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने लोग हैं और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या जो लोगों की फ्री कुंडली रीडिंग नहीं कर पाए हों लेकिन अब अगर वो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि 25 और 26 तारीख को, मतलब ट्यूसडे और वेनसडे को, मैं अपने चार्जेस जो है उसमें 30% डिडक्शन दे रहा हूँ। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको, मतलब 750 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए। सिर्फ 2 दिन के लिए है ये, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आपकी फ्री कुंडली रीडिंग में सिलेक्शन नहीं हो पा रही है तो अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग पे आप डाल सकते हैं और आपको 750 रुपीज़ के चार्जेस होंगे, 1100 रुपीज़ 2 दिन के लिए नहीं होगा। आप जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। बहरहाल ये रहा पैसे का बात। अब बात ये रही कि जिनको अभी भी फ्री रीडिंग ही करवानी है और उनकी कुंडली सिलेक्ट नहीं हो पाई है, आप लोगों को रिक्वेस्ट ये है जी कि 30 जुलाई लिख के, रिपीट लिख के आप भेज दीजिए। मैं कोशिश ये करूँगा जी कि रिपीट जो भेजेंगे उनमें से कुछ कुंडलियाँ 30 जुलाई के बाद सिलेक्ट करके आप लोगों की रीडिंग प्रोवाइड कर पाऊँ और जो नई कुंडलियाँ उनकी भी रीडिंग प्रोवाइड कर पाऊँ आफ्टर 30 जुलाई, उनकी आप उनके सवालों का जवाब दे पाऊँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कुंडली जो मैं बात कर रहा हूँ जी कि जो वीडियो हमारा जो पर्पस है मरकरी अगर कैंसर असेंडेंट में रहे तो क्या असर देगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मरकरी अगर चौथे घर फर्स्ट हाउस लगन का घर अगर कैंसर और यहाँ मरकरी अगर बैठा हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि मरकरी फोर्थ नंबर पर बैठा हुआ है जो कि कैंसर असेंडेंट है जो कि मून से रूल किया जाता है। मून और मरकरी का नहीं बनता है, मरकरी और मून का नहीं बनता है, एनिमी हाउस में बैठा है तो मरकरी यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता है। अगर देखा जाए तो मरकरी यहाँ पे थर्ड हाउस का ओनर, मतलब 12वें घर का ओनर और थर्ड हाउस का ओनर, मतलब 6 नंबर जहाँ पे लिखा है, इन दोनों घरों को रूल कर रहा है। अपना लगन ये दो घरों में रखा में है और ये तीसरा घर है और ये 12वां घर है। तो बारहवें का सेकेंड हाउस पे होना और तितेश का फर्स्ट सॉरी माफ कीजिएगा बारहवें का फर्स्ट हाउस पे होना और तितेश का भी पहले घर पे होना कुछ खास अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन कुछ कुछ रिजल्ट अच्छे प्रोवाइड करेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं जी कि दृष्टि क्या दे रहा है। मरकरी अगर दृष्टि यहाँ दे रहा हो तो मरकरी की दृष्टि यहाँ पे वाइफ के लिए उतना बुरा नहीं है, पब्लिक डीलिंग के लिए, बिजनेस के लिए उतना बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शनि के घर पे है दृष्टि और मरकरी शनि का मित्र होता है। अगर शनि कहीं बलवान हो जाए तो अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे मरकरी का सेकंड फर्स्ट हाउस में बैठ के सेवंथ हाउस में देखना वाइफ की हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करता है। हो सकता है उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो या आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि अगर 12वें घर का मालिक पहले घर में आके बैठ जाए तो आदमी का खर्चा अपने आप पे होता है, वो अपने लिए बहुत एक्सपेंसेस करता है, बहुत खर्चा करता है। पर्सनालिटी इंटेलिजेंसी में होती है, इंटेलिजेंट बहुत होता है लेकिन खर्चा अपने पे करता है। अनटिल और अनलेस वो पर्सनालिटी खुद फॉरेन लैंड में ना सेटल हो जाए या फॉरेन लैंड में ना डील करना शुरू कर दे। आपकी खुद की ग्रोथ फॉरेन से होगी, बाहर होगी, आपके बर्थ प्लेस से बाहर होगी। अब वो कितना बाहर होगा, हो सकता है जी कि आप इंडिया के बाहर हो, ये ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि अगर आप फॉरेन लैंड मतलब इंडिया के बाहर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, लेकिन अगर इंडिया में भी रहते हैं तो बर्थ प्लेस से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए इशारा कर रहा है। अगर फॉरेन सेटलमेंट भी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मून वैसे भी आपको लॉन्ग बाहर फेंकता है अपने बर्थ प्लेस से और मरकरी यहाँ बैठे हुए एनिमी होने के बावजूद भी स्ट्रगल जरूर होगा, लेकिन आपको फॉरेन सेटलमेंट मिल सकता है। साइमल्टेनियसली थर्ड हाउस में अगर मरकरी का घर है और थर्ड हाउस का ओनर अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप अपनी मेहनत से अपनी ग्रोथ ले लेंगे, अपनी मेहनत से आपको बहुत कुछ मिलेगा।
पूरा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एनिमी हाउस में बैठा हुआ है तो खास अच्छा सपोर्ट मून देगा नहीं। अपनी बर्थ प्लेस से बाहर जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साइमल्टेनियसली क्या है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उनके साथ रिलेशनशिप में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी। ये बहन के साथ ज़्यादा होगा, भाई हो तो चलो फिर भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रिलेशनशिप दोनों के साथ ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो छोटे भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी रहेगी। तो ये था मेरी रीडिंग कैंसर एसेंडेंट में। अगर मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट दे? मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा रिजल्ट अपना पूरा नहीं दे पाता है, क्योंकि एनिमी हाउस में बैठा है। मरकरी वैसे यहाँ बैठा हुआ इंटेलिजेंसी देता है, स्मार्टनेस ज़रूर देता है, मरकरी का काम ही यही है। पहले घर पर बैठा हुआ लगन में बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा कोई भी प्लैनेट खास खराब असर नहीं देता है, लेकिन एनिमी हाउस में बैठ जाए तो उसकी असर में कमी आ जाती है। वाइफ को लेके थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उनके हेल्थ को लेके ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये था मेरा रिव्यू कैंसर एसेंडेंट में। अगर मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा? थैंक यू।